सुबह हो गई सुबह हो गई सुबह हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली गाइस नहीं 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 ऐसे नहीं सो गाइस अब हम दिवाली के लिए तैयार हो गए हैं तो गाइस हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइस सब बोलो हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली और अंशु की तरफ से भी आप सबको हैप्पी दिवाली गाइस चलिए अब दिवाली की शुरुआत करते हैं और बम पटाखों से शुरुआत करते हैं सो गाइस ये रहे हमारे सारे पटाखे और भाई ये सारे पटाखे मैं लेकर आया हूँ नागपाल अंचन से नागपाल अंचन जैसे आपको पता है ये भाई गुड़गांव के अंदर पड़ता है और आप कितनी भी क्वांटिटी में यहाँ पे जाके पटाखे ले सकते हो और बहुत सस्ते पटाखे मिलते हैं भाई पूरी दिल्ली अंचन सबसे चीपेस्ट पटाखे यहीं मिलते हैं सो हेलो गाइस तो देखिए ये मैंने दिवाली का स्टैश जमा कर लिया भाई ये दिवाली के फायर क्रैकर्स इतने सारे फायर क्रैकर्स मैं लेकर आया हूँ भाई तो भाई देखो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है मैं आपको दिखाता हूँ अभी सबसे पहले भाई यहाँ देखो ये है चरखड़ी ये बच्चों के लिए मैं पटाखे लाया हूँ यहाँ पे जो इस तरफ जो पड़े हैं ये सारे बच्चों के लिए है ये सब बच्चे फोड़ेंगे चरखड़ी है फुलझड़ी है ये फुलझड़ी ये भाई स्काई शॉकट है ये मैं जलाऊंगा क्योंकि बच्चे नहीं फोड़ेंगे ये स्काई शॉट मैं जलाऊंगा ये पॉप पॉप है भाई ये भाई टिम टिम का अनार है ये देखिए गाइस टिम टिम का अनार ये बहुत बढ़िया छोटे छोटे अनार होते हैं लेकिन बहुत बढ़िया जलते हैं ठीक है इसके बाद भाई ये इस टाइप से ये अनार है छोटे छोटे अनार होते हैं ठीक है ये भी भाई स्पिनर है ये भी अनार प्लस इसमें अनार प्लस वो है चरखड़ी अनार के अंदर चरखड़ी निकलती है तो ये भी बहुत बढ़िया फटता है भाई इसके बाद जब हम आ जाते हैं भाई ये बच्चों का है हंटर फिर भाई इधर आ जाते हैं ये थोड़े बड़े बम है ये है भाई देखो नाजी नाजी है डक टोन डक ब्रांड का सुपर टोन है और भाई आजाद क्लासिक है और ये भाई ये भी हमने पूरा स्टॉक भर लिया है पूरा दिवाली में धमाका करने के लिए सो गाइस चलो इनको वन बाय वन टेस्टिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं इस दिवाली पे किस तरीके से धमाल मचने वाला है भाई कट्टे के अंदर ये दो पैकेट रह गए थे ये भाई है एक है व्हील्स ये भाई सीटी वाली चरखड़ी जो होती है वो है ठीक है एंड ये है गाइस स्पिनर ये भाई लट्टू की तरह चलता है इसको चलाते हैं तो लट्टू की तरह फूटता है तो ये दोनों भी हैं भाई स्टैश में अपने तो इन दोनों को भी टेस्टिंग करेंगे सो गाइस इस दिवाली में पटाखे फोड़ने के अलावा हम कुछ एक्सपेरिमेंट भी करने वाले हैं जैसे कि आप देख रहे हो अभी ये भाई एक स्काई शॉट है इस स्काई शॉट को मैं ऑलरेडी फोड़ चुका हूँ और इस स्काई शॉट एकदम खाली है अब इस स्काई शॉट के अंदर भाई मैं ये सारी चीज़ें डाल रहा हूँ आप देख रहे हो जैसे कि चटर पटर पड़ा है हंटर है फुलझड़ी है और चरखड़ी है इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स करके इसके अंदर डाल दूंगा भाई और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से एक तरह से अनार बन जाएगा भाई और बहुत अच्छी तरीके से जलेगा आप देखना और इसके अलावा मैं और भी एक्सपेरिमेंट करूँगा इसके इससे बड़े बड़े अनार भी मैंने बनाए हैं तो भाई इस वीडियो को पूरा देखना है एंड तक तब आपको पता चलेगा कि भाई उन एक्सपेरिमेंट्स का क्या हुआ और भाई बहुत बेहतरीन एक्सपेरिमेंट हुए हैं और आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा तो चलिए गाइस अब इन सब चीज़ों को भर लेते हैं और फिर मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको ये कैसे जलता है गाइस ओह भाई साहब मज़ा आ गया भाई भाई मेरे को तो देखने में बहुत मज़ा आया आप लोग ही बताना आपको देखने में कैसा लगा और भाई ये बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है अब इसको थोड़ी देर छोड़ के मैं इसके अंदर छोटे छोटे जो अनार होते हैं पेंसिल वाले वो भी डाल के देखता हूँ आपको दिखाता हूँ सो गाइस ये हैं सारे छोटे छोटे अनार और इसके अंदर हम अनार डालेंगे और एक फुलझड़ी और एक भाई मैं हंटर डालूंगा ताकि वो इसको जलाने के काम आएगा और भाई ये देखिए ये सारे छोटे छोटे जो अनार थे ये मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं पेंसिल वाले भाई मेरे को तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है किस तरीके से जलेगा गाइस अगर आपको भी वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और गाइस इसके बाद हम इसके अलावा एक और इससे बड़ा अनार बनाएंगे जो कि बड़े वाले स्काई शॉट के अंदर होगा और भाई उसमें तो तबाही मच जाएगी तो चलो भाई इसके अंदर मैंने कुछ चटर पटर भी डाल दिए हैं अब चलो इसमें आग लगाते हैं भाई ये तो पूरा जल के खाक हो चुका है कोई बात नहीं भाई हमारे पास बड़े वाला स्काई शॉट भी है
अब करते हैं भाई, आ गई बड़े वाले स्काई शॉट की बारी। अब इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें डालने वाले हैं गाइस। देखो ये इतना बड़ा स्काई शॉट है भाई, बड़े वाला, और इसके अंदर हमने इतने सारे चटरपटर ले लिए भाई, इतने सारे अनार ले लिए पेंसिल वाले, इतने सारी फुल लड़ी और इतने सारे हंटर। अब इन सब चीज़ों को भाई मैं इसके अंदर डाल दूंगा। तो सबसे पहले भाई मैंने ये पेंसिल वाले अनार लिए हैं, क्योंकि भाई सबसे नीचे रहेंगे और इसको ये जब डलेंगे तो भाई बहुत ऊपर तक जाएंगे। इसके बाद भाई मैंने इसके अंदर डाल दिए थोड़ी सी फुल लड़ी, और भाई थोड़े से अनार जो बच गए थे वो भी इसके अंदर मैंने भर दिए। अब भाई मैं डालूंगा ये हंटर, क्योंकि भाई इन्हीं हंटर से जो है इसके अंदर आग बनी रहेगी, और भाई उसके बाद ये कलर वाली फुलझड़ी। सो दोस्तों, आपको भी अगर इस टाइप की वीडियो अच्छी लगती है तो भाई मुझे कमेंट में बताना, मैं इस टाइप की और वीडियोस बनाऊंगा। मेरे पास 2-3 स्काई शॉट और पड़े हैं, उन सबको भी मैं भाई ऐसे यूज़ करूँगा। मेरे पास अभी बहुत सारे पटाखे बचे हुए हैं। तो गाइस देखिए ये रेडी हो गया, ये रेडी है हमारा बिगेस्ट अनार। पहले फोड़ दो स्काई शॉट, फिर हमारे एक्सपेरिमेंट की बारी बारी। अब बहुत फटने वाला है तीसरा। काम कर, पहले तू जोर से, तो पीछे भी जा, जोर से जोर से हाथ में जाना पड़ेगा। अच्छा कोई बात नहीं, मैं चलता रहूँ, क्यों निकल जा रही हो? भाई ये तो बहुत ऊपर तक गया था। वीडियो आपको कैसे लगी भाई कमेंट करके बताना। अब चलो गाइस बाकी सारे बम भी एक करके फोड़ते हैं। अच्छा ठीक है, वही क्या है। अच्छा सारे चकरी ऐसा चलेंगे। Yeah.